आई नो कि मैं इस वीडियो को लाने में लेट हो रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए हैं। आप जानते ही होंगे कि मैं किस एरिया से बिलोंग करता हूँ। खैर, इन बातों को छोड़ते हैं और अपनी मेन वीडियो पर फोकस करते हैं। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बताता हूँ इस वीडियो में। तो देखो यार, शज़ाम मूवी की एंडिंग में शज़ाम वर्सेस क्लिप्सो की फाइट होती है, जिसमें कि शज़ाम भी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है क्लिप्सो को हराने के लिए, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि विज़र्ड की छड़ी की भी पावर्स चली जाती हैं। इसके बाद हमें एक फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर शज़ाम को दफनाया गया होता है और उसकी फैमिली भी उसके साथ होती है। यहाँ पर अपना विज़र्ड कहता, अगर मेरी छड़ी का जादू अभी भी बरकरार होता तो मैं ना शज़ाम को फिर से जिंदा कर देता, बट क्या ही करूं, अब तो दुनिया में कोई भी गॉड बचा नहीं, क्योंकि एरियस के दौरान वॉर ऑफ गॉड में एरिस ने सभी गॉड्स को मार दिया था। बट तभी यहाँ पर मेरी वंडर वुमन की एंट्री होती है और वो कहती है कि एक तो अभी भी जिंदा है। वंडर वुमन यहाँ पर छड़ी में फिर से जादू फूंक देती है, जिससे कि शज़ाम भी जिंदा हो जाता है। शज़ाम फिर से जिंदा होकर अपनी फैमिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बट दूसरी तरफ वंडर वुमन जब उसकी निगाह में पड़ती है तो भैया कसम से ये शज़ाम सिंप करने लगता है वंडर वुमन पर, और मेरे को लगता है DCU में पक्का ये डेट करने वाला है वंडर वुमन को। दूसरी तरफ वंडर वुमन तो चली जाती है और शज़ाम यहाँ पर कहता है कि किस किस को अपनी पावर्स वापस चाहिए। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात है कि शज़ाम के फॉस्टर पेरेंट्स भी हाथ उठा देते हैं, मतलब कि फ्यूचर में ये भी कोई सुपर हीरो कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। खैर देखते हैं, अब आते हैं अपने मिड क्रेडिट सीन पर, जहाँ पर हमें अमेलिया हार्टकोर्ट और जॉन इकोनोमेट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आए होते हैं शज़ाम को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, जो कि अमांडा वॉलर ने बनाई होती। बट क्या करें, शज़ाम तो मना कर देता है, सीधा सीधा कहता है कि मैं तो वंडर वुमन की टीम में रहूंगा, यानी कि जस्टिस लीग में। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को, नहीं रे इन दोनों को उठा ले। मैं तुम शैतानों के साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो गॉडेस ऑफ लव के साथ रहना चाहता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर क्या होता है, अमांडा वॉलर की ये दोनों की पलटन तो चली जाती है। अब आती है बारी पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां पर हमें डॉक्टर सिवाना दिखाया जाता है वही सिंबल्स बनाते हुए, जो कि शज़ाम मूवी में वो विज़र्ड की सीक्रेट लोकेशन पर जाना चाहता है। और यहां पर हमें मिस्टर माइंड भी दिखाया जाता है, जो कि कॉमिक्स में बहुत ही बड़ा विलन है, छोटा मत समझो इसको, इसकी खोपड़ी सन की समझो सबकी सटकी। जहां पर मिस्टर माइंड बताता है कि मैजिक गेन करने का और भी तरीके हैं और मैंने कुछ ऐसा सेटअप किया है 2 सालों में, क्योंकि भैया वो तो छोटा सा कीड़ा सा बन के रह गया, जिसे है ना टाइम लगता है जगह जगह जाने पर। मैं भी क्या पता हमें शज़ाम 3 मूवी में ये देखने के लिए मिले। और हाँ, इसके साथ ही मिस्टर माइंड के ऊपर एक ओरिजिन वीडियो चाहिए छोटी सी, तो मैं बना दूंगा अगर आप कमेंट्स में करोगे मिस्टर माइंड। और जाते जाते एक बार तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के शेयर कर दो, एटलीस्ट एक कमेंट तो कर दो शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।